Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, who is campaigning here in the state of Telangana. Sir, आप यहाँ पे campaigning कर रहे हैं. अभी आपको सुना हमने, आप BRS और KCR को आप कह रहे हैं कि BRS की जगह FRS लगाना चाहिए. हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कल अमित शाह भी यहाँ पे campaigning कर रहे थे. आप यहाँ के माहौल को किस तरह से देखते हैं और आप क्या कहना? देखिए, मैंने इसलिए कहा कि FRS होना चाहिए क्योंकि ये अभी फैमिली राज समिति हो गई है और मैं यहाँ जो माहौल देख रहा हूँ पूरे तरीके से लोगों का मन बना है बदलाव करना चाहते बीजेपी के साथ जाएंगे. सर, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पे आरोप लगाती है कि बीजेपी BRS और MIM एक है. हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस BRS और MIM एक. देखिए, ये तो बहुत साफ है. सारे लोग किसके खिलाफ बोलते हैं? मोदी जी के. ये सब मिलकर मोदी जी को हटाना चाहते हैं, मोदी जी की पार्टी को कम करना चाहते हैं. ये सारे एक है, अंदर से इनकी मिलीभगत है. हमको तो यहाँ तक पता है कि कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट्स के साथ ऑलरेडी BRS का डील हो चुका है. सर, बीजेपी जो है, बीजेपी ने एक बहुत बड़ा दावा खेला है जहाँ पे बीजेपी ने अनाउंस किया है एक BC मुख्यमंत्री होने का. हालांकि ऑपोजिशन पार्टीज BRS और कांग्रेस उस पे कहती है कि पहले बीजेपी यहाँ पे कुछ सीट तो जीते. बीजेपी जीतेगी, सत्ता में आएगी. ये लोग पिछले चुनाव में भी ऐसा ही कहते थे, लेकिन लोकसभा में मुख्यमंत्री जी की बेटी को हमने हरा दिया. इसलिए बीजेपी को कम मत आके, बीजेपी पक्का जीतेगी और BCCM बनाएगी. कांग्रेस पार्टी को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के TPCC चीफ रेवंत रेड्डी जो है वो भी दो जगह से कंटेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी ने ईटल राजेंद्र को भी दो जगह से कंटेस्ट करने का ऐलान किया. देखिए, कांग्रेस पार्टी का न देश में कोई वजूद है, न तेलंगाना में कोई वजूद होने वाला है. वो केवल आवाज बड़ी कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं. राहुल गांधी ने कल एक कमेंट किया, पूछते हैं भारत माता कौन है, आप क्या कहेंगे? यही तो राहुल गांधी का प्रॉब्लम है, जिसको भारत माता पता नहीं वो व्यक्ति देश को क्या लीड करेंगे. इस देश के साथ उनका कोई जुड़ाव नहीं है. देश की संस्कृति, देश की मिट्टी, इसके बारे में उनको कोई प्यार नहीं है. ऐसा ही व्यक्ति ऐसा सवाल कर सकता है?